कॉलोनी में हॉर्न मार मार के घूमता था, लड़की को छेड़ता था, तो हमने उसको रोका था। वो अपने पापा को बुलाता है कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया, तो हमने बोला ये बार बार हॉर्न बजा के यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, और वहां पे पिताजी ने गाली गलौज करी तो लड़ाई हो गई। तो एक एक्यूज ने छुरी मारी है सर, इसलिए 307 लगा। यूपीएससी में अपीयर हुए कभी? मैंने कभी नहीं दिया सर, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, एक्यूज की बात कर रहा हूँ। नहीं सर। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये तो एक पुलिस ऑफिसर के पावर्स हैं। हाँ बस हम वैसे सही आपके पक्षकार ने तो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए अटेम्प्ट तक नहीं किया, तो वो तो मतलब जजमेंट सुना के एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। नेचर ऑफ इंजरीज सर, जी सर, एंड द बॉडी पार्ट ऑन विच द इंजरीज वर कॉस्ट, मतलब जी उसके सर ग्रीवियस नेचर, मतलब दी दाहिने हाथ की उंगली कट गई थी ओ अरे छोटे क्या है टोटल और मिला के बताइए ना आप। पायलट में परमिट मैं बता देता हूँ सर। हाँ बता दीजिए। सर कैलाश को है बोगी स्वेलिंग है ऑसिपिटल रीजन पे, लीनियर एब्रेशंस हैं, लेसेटेड वाउंड है उसको 4x2x2 का, और लेसेटेड वाउंड एक और है उसको साइड में राइट हैंड के, 2 ब्रूसेस हैं। ये हैं टोटल 5 इंजरीज सर। एलिगेशन ये अच्छा हैं FIR में कि कैलाश राजपूत जाता है FIR कराने की मेरे एक बेटे को रोक लिया है रास्ते में इन चारों आरोपियों ने, और ये लोग रॉड लेके खड़े हैं। तो वो कैलाश राजपूत पहुंचता उस जगह पे और बोलता तुमने मेरे बेटे को क्यों रोक के रखा, क्यों इसके साथ मारपीट कर रहे हो। तो ये हमने उसका काउंटर दिया जो FIR कंटेंट है कि ये हमारी कॉलोनी में निकलता है बाबा हॉर्न बजा के। स्टोरी ये भी सर कि वो फरीद की सिस्टर को छेड़ने आता था बार बार, तो ये लड़के लोगों ने उसको रोक के रखा था। अब मेरे ऊपर एलिगेशन आया सर, मेरे ऊपर एलिगेशन आया कि मैं रॉड के साथ था, इंजरी इनसाइज राउंड आई है, और मेरे से जो रॉड जब्त हुई है ओपन प्लेस से जब्त हुई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, मुझ पे भी है रॉड से मारने का, पर जो इंजरीज आई है सर ग्रीवियस इन नेचर है, वो हाथ जो जो बाकी इंजरी बाकी एक्यूज के ऊपर है सर। मेरे पास आया है कि मैं प्रेजेंट था, मेरे पास रॉड थी, तो आपके और ये तो ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे मल्टीपल इंजरीज हैं। वो उससे है सर शार्प ऑब्जेक्ट्स है, वो जब्ती हुई नाइफ से, 3 एक्यूज और हैं। वो क्या हुआ कॉलोनी में हॉर्न मार मार के घूमता था, लड़की को छेड़ता था, तो हमने उसको रोका था। वो अपने पापा को बुलाता है कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया, तो हमने बोला ये बार बार हॉर्न बजा के यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है, और वहां पे पिताजी ने गाली गलौज करी तो लड़ाई हो गई। तो लेकिन मुझपे नहीं है छुरी, यूपीएससी में अपियर हुए कभी? मैंने कभी नहीं दिया सर, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, एक्यूज की बात कर रहा हूँ। नहीं सर। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये तो एक पुलिस ऑफिसर के पावर्स हैं। हाँ बस हम वैसे सही आपके पक्षकार ने तो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए अटेम्प्ट तक नहीं किया, तो वो तो मतलब जजमेंट सुना के एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। नहीं सर। वो क्या है सर, यंग लड़के यंग बॉयज हैं, इसने इसके इंटेंशन इसका इसका मतलब कुछ भी इंटेंशन कर इसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो 24 बनाई है उनने, 26 नहीं बनाई, चार्जशीट फाइल हुआ है। इसने जो भी किया हो उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो क्या ट्रायल कोर्ट को पता नहीं कि उंगली कटने पर 326 तो कम से कम बनेगा, और 307 भी लगा हुआ है? आप हाँ क्योंकि वो एक एक्यूज ने छुरी मारी है सर, इसलिए 307 लगा। अभी तो सर मैसेज इतना था इफ माइलोट इज नॉट इंक्लाइन आई विल विड्रॉ माइलोट। मेरा सिर्फ इतना था कि इस यंग बॉय का मारने का कोई एलिगेशन ऐसा नहीं था कि इसने इंटेंशनली कोई रॉड या छुरी मारी हो जिससे फैटल कोई इंजरी आई। रॉड से किसी को पीटने में इंटेंशन क्या हो सकता है सर? अच्छा नहीं ऐसा होता कि सर फट जाता है या कोई चेहरे पे इंजरी ऐसी मतलब आती। छुला 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 के छोड़ रहे थे उसको, नहीं सर वो डराने के लिए खड़ा था कि है? अच्छा, दोस्त की सिस्टर है तो तुम लोग कॉलोनी बताओ, पर वो बाकी लड़कों का उसको मालूम नहीं था कि बाकी लड़के ऐसे मारपीट कर रहे हैं। उस बट ये कॉलोनी में उस कॉलोनी में तो कोई और महिला रहती नहीं है ना? नहीं सर वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं आपने उसके कभी 50% आपने में कभी आया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते अगर आपने कभी भी कोई FIR कंप्लेंट की हो और उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई ना की हो, तब तो आपने तंग आके कानून हाथ में ले लिया हो तो समझ में आता है। अगर आपने बिना एक पुलिस ऑफिसर बनने का अटेम्प्ट किए और आप सीधे ही बन गए और फिर ऊपर से जजमेंट भी दे दिया और फिर वहीं तो वहीं एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो नहीं वो मैं समझ गया सर, आई अलर्ट वेरी विदड्रॉ एज नॉलेज। After arguing the matter at length, the counsel for applicant seeks permission of this court to withdraw this application.